बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया बिहार में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 10 फरवरी को आ जाएगा और आपके पेपर में एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, यानी कि 7 मार्च से आपका जो पेपर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि इस वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा कि हम लोग कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का पेपर है उसको कुल कितनी बार हम पेपर दे सकते हैं, टोटल हमें कितनी बार बीपीएससी का पेपर देने का मौका मिलेगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों का जवाब इस वीडियो लेक्चर में देने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया बीपीएससी यानी कि बिहार का जो लोक सेवा आयोग है वह सिर्फ पेपर कराता है और आपकी जो भर्ती है वो शिक्षा विभाग की भर्ती है, यानी कि ज्वाइनिंग जो होती है वो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो हम बीपीएससी के बारे में जानते हैं कि बीपीएससी अपने पेपर में 3 अटेम्प्ट देता है, यानी 3 बार पेपर देने का मौका मिलता है। लेकिन बिहार में जो लोक सेवा आयोग है उसमें अब 3 बार से बढ़ाकर ये हमारा टोटल 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। लेकिन हमें पता है ये जो भर्ती है ये शिक्षा विभाग की भर्ती है, तो आयोग के द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आप कितनी बार पेपर दे सकते हैं, इसका निर्णय बीपीएससी को नहीं लेना है, इसका निर्णय शिक्षा विभाग को लेना है। तो शिक्षा विभाग 3 अटेम्प्ट देता है, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि हमें 5 अटेम्प्ट दिए जाए, तो 3 अटेम्प्ट देता है या 5 अटेम्प्ट देता है इसका निर्णय करने का जो अधिकार है वो शिक्षा विभाग के पास है। तो अभी आप बिल्कुल भी भ्रमित ना रहिए, परेशान ना रहिए, 3 बार पेपर देने का मौका मिलेगा अथवा जो अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि 5 बार पेपर देने का मौका मिलेगा, ये सारी चीज़ें अभी भ्रम की स्थिति है, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। इसका निर्णय बीपीएससी नहीं करेगा, शिक्षा विभाग करेगा, क्योंकि ये जो भर्ती है वो शिक्षा विभाग की भर्ती है। बीपीएससी यानी कि बिहार में जो लोक सेवा आयोग है उसने अपने जो परीक्षा होती है उसमें 3 बार से बढ़ाकर 5 बार कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम कमेंट करते हैं, उसके ऊपर जवाब देने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि बीपीएससी 3 बार हमें अटेम्प्ट करेगा, यानी 3 बार पेपर देने का मौका मिलेगा। तो अब यहां पर पहला प्रश्न होता है, जैसे मान लीजिए हमने प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती का पेपर भरा, यानी कि जो प्रथम चरण का शिक्षक भर्ती था, प्रथम चरण वाली शिक्षक भर्ती थी, उसका पेपर फॉर्म भरा लेकिन पेपर देने नहीं गए, तो पेपर देने नहीं जाएंगे तो वो अटेम्प्ट आपका गिना नहीं जाएगा। आप जब पेपर देने जाएंगे वहां अपना थंब इंप्रेशन लगाएंगे, चाहे पास हो रहे हों चाहे फेल हो रहे हैं उसी का काउंट किया जाएगा। अगर आप पेपर देने नहीं गए हैं तो आपका वह अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है जिसका आंसर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि भैया जैसे द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में किसी ने 6 से 8 का भी पेपर दे दिया, 9 से 10 का भी पेपर दे दिया और 11 से 12 का भी पेपर दे दिया, तो इसके 3 अटेम्प्ट हो गए। अगर यहां पर देखें इसने 3 पेपर दे दिया तो क्या इसके 3 अटेम्प्ट हो गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अलग अलग कैटेगरी में 3 बार मौका दिया जाएगा। देखिए भैया फिर से समझ लीजिए जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको 3 बार मौका दिया जाएगा या 5 बार मौका दिया जाएगा या 10 बार मौका दिया जाएगा, ये स्पष्टीकरण जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बीपीएससी ने 3 बार कहा है लेकिन ये भर्ती शिक्षा विभाग की है, तो बीपीएससी के द्वारा ये कल या परसों के नोटिफिकेशन में कहा गया था, जो अखबार से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें कहा गया था कि शिक्षा विभाग इस बात का निर्णय लेगा कि आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाए या 5 दिया जाए या 10 दिया जाए 15 दिया जाए। कहने का मतलब है इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग लेगा और शिक्षा विभाग ने अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अगर आपको 3 मौके ही मिलते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो आपके क्या प्रश्न होंगे, उनका क्या आंसर होगा, उसको हम देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो बात आप समझ गए, आपको 5 मौके भी मिल सकते हैं, 6-7 मौके भी मिल सकते हैं, इसका निर्णय शिक्षा विभाग ही करेगा। लेकिन अगर आपको 3 मौके ही मिलते हैं तो उसको किस प्रकार से काउंट किया जाएगा उसका जवाब हम यहाँ पर देते हैं। तो द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती में यदि किसी ने 6 से 8 का पेपर दिया, 9 से 10 का पेपर दिया और 11 से 12 का भी पेपर दिया है, तो क्या इसके 3 पूरे हो गए? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर वर्ग में यहाँ पर 3 बार काउंट किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए प्राइमरी में किसी ने
प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती के पेपर दिया तो उसका प्राइमरी का एक हो गया, द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती में उसने प्राइमरी का पेपर दिया तो इसका दो हो गया, अभी प्राइमरी में उसका सिर्फ एक बचा है। प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में 6 से 8 का पेपर नहीं हुआ था, द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में अगर किसी ने पेपर दिया 6 से 8 का तो उसका एक काउंट हो गया। हर वर्ग में आपको 3 मौके मिलेंगे। इसी प्रकार 9 से 10 में अगर प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में किसी ने पेपर दिया था तो एक उसका पूरा हो गया, द्वितीय चरण में दिया 2 पूरा हो गया, अब तृतीय चरण में देगा तो 3 उसका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी ने प्रथम चरण में 6, 11 से 12 में पेपर दिया तो एक पूरा हो गया, द्वितीय चरण में दूसरा पे हो जाएगा और तृतीय चरण में उसका तीसरा पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर 6 से 8 में प्रथम चरण में तो था नहीं, द्वितीय चरण में एक उसका पूरा हो गया और तृतीय चरण में उसका 2 पूरा हो जाएगा। जब चतुर्थ चरण आएगा जो कि अगस्त में पेपर होगा चतुर्थ चरण वाला, तो उसका 3 पूरा हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक कैटेगरी में 3 बार आपको मौका मिलेगा। तो यदि आप प्राइमरी में 2 बार पेपर दे चुके हैं तो अब आपके पास आखिरी मौका है। अगर पुराने वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से हम देखें तो आपके पास आखिरी मौका है, अगर 9 से 10 में आप 2 बार पेपर दे चुके हैं तो आपके पास आखिरी मौका है, अगर 11 से 12 में आप 2 बार पेपर दे चुके हैं तो आपके पास आखिरी मौका है, और 6 से 8 में आपको जो आखिरी मौका मिलेगा वो अगस्त वाला जो पेपर होगा तृतीय चरण का, उसमें आपको मौका मिलेगा। तो ये पुराने वाला जो PBSC का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से इस प्रकार से काउंट होगा। प्रत्येक वर्ग में आपको 3 बार मौका मिलेगा, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। और शिक्षा विभाग ही इसका निर्धारण करेगा कि आपको 5 बार मौका दिया जाए, 5 या 3 बार मौका दिया जाए, या 6 बार 7 बार 8 बार, इसका निर्धारण शिक्षा विभाग ही करेगा। आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो इसका निर्धारण होगा वो शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि BPSC अपनी परीक्षाओं में 5 बार मौका दे रहा है, लेकिन ये जो शिक्षक भर्ती है ये शिक्षा विभाग की भर्ती है, इसलिए इस बात का निर्णय जो है शिक्षा विभाग के द्वारा ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहिए, हताश ना रहिए। अगर ये आपका तीसरा मौका है तो कोई बात नहीं, हो सकता है अगस्त में आपको 5 बार कर दिया जाए तो अगस्त वाला जो चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी आपको मौका मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा प्रत्येक वर्ग में। अभी पुराने वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से 3 बार इस हिसाब से काउंट किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा था और पेपर नहीं दिया था तो वो आपको गिना नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आयोग आपको 5 बार भी मौका दे सकता है, 6 बार 7 बार भी मौका दे सकता है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद है यहाँ पर आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग मिलते हैं। अभी भी आपके अगर मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, उसका जवाब वहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।